विधायक बाबू बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं, वो दोगलापन दिखा रहे हैं। तो उनकी अभी भी मेरी गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं, वरना फिर आगे जो हमें करना है वो फिर हमें पता है। तुसी देखिया जो अविश्वास प्रस्ताव आया उदे विच इन्हां ने किसान नाल बहुत वड्डा धोखा कीता। सरकार दे हक च वोट पा गए ते फड़ा किसानां दे हक च मार गए। ये डबल स्टैंड तां नहीं चलना। असीं इन्हां नूं यही बेनती करते हैं भी हुण तुसीं स्टैंड सानूं पता लग गया तुहाडा, तुसीं सरकार दे नाल हो, तुहानूं मुबारक, तुसीं डट के रहो। असीं जिन्ने जोगे हाँ अपनी रोटी बचाउण दी लड़ाई लड़ रहे हाँ, असीं आपदे स्टैंड ते सही हाँ। हुण इन्हां दा अज पुतला फूकांगे ते इन्हां दा पिट स्यापा करांगे, हुण कुछ मर्जी कर लैणा। पर जिहड़ी जगह इन्हां दी हुण बन सकदी सी ना, मैं तो यह नहीं समझता भी इन्हों सलाहकार कौन है। इन्हों सलाह ही नहीं कोई चाहती दिता है, जो लोग ही ना रहे नाल कुर्सियां कितों रहनगियां। चलो ढाई तीन साल की गल है, कोई गल नहीं, पर हो सकता उदू पहले ढल टवा खिलर जे फिर आना तो फिर विधानसभा राजनीति है जी। इन्होंने सारे पिंड फोन किए भी वो तो वे दफ्तर चाहो, दफ्तर जाके अगर सलाह मशवरा करना है। 10 बजे से मीटिंग रखती तो विधायक जी आप चंडीगढ़ बैठे ने, इतने उन्होंने भाई कर रहे हैं। साढ़े संयुक्त मोर्चे के मैंबरों भी दो तिना सद्या भी उत्तर दफ्तर चाहो, पर संयुक्त मोर्चे ने साफ मना करता। उन्होंने कहा भी तुम उत्थे सरकार के खिलाफ वोट पा के आओ, असं थोड़ा पूरा धूमधाम स्वागत करा, थोड़ू गले लावा, असं बकायदा बयान जारी किया। पर उत्थे सद के मान लो साढ़े इतने किसान लीडर ज आम लोग उत्थे जा वड़दे किसान, तो बाद चो सरकार के पक्ष भुगते आते तो उन्होंने पले की रहा। ये सारा सारा किसान मोर्चे भी बदनाम करने वाला काम कर रहे थे, एक खेड खेड रहे थे जिसे सफल नहीं हो सके। कोई गल नहीं, हमने सरकार खड़न असी आपके स्टैंड पर खड़े हाँ। पुतला फूक रहे हम, देवेंद्र बबली जो है जेजेपी का जो है विधायक है, ये हमारा हमने जो है इसको वोट देकर एक असल में जो है गुणा किया है। हमें ये नहीं पता था कि देवेंद्र बबली जो है इतना बदलाव में आ जाएगा। देवेंद्र बबली को हम अपना सही असली किसानों का मसीहा समझ रहे थे, इसीलिए जो है इसको जो है हर किसान ने जो है हर मजदूर ने जो है इसके साथ लगकर जो है इसको वोट डाले हैं। लेकिन इसका कोई भी जो है वो नहीं, ये सोचता है कि जो है किसान मेरे जो है दुश्मन है, किसानों को दुश्मन समझ के जो है अपनी पार्टी में छोड़ना चाहता है। पर पहले तो इसने विश्वास दे दिया जनता को, हम इसके वहाँ इसके मकान पर गए थे, वहाँ यू मिला नहीं। इसके भाई को जब दे गए वो अपना विश्वास प्रस्ताव दे के जो इसको
वहाँ आए थे, इसके भाई ने या इसके खुद ने जो है ये कहा था कि भाई मैं किसानों के साथ हूँगा, आवाज उठाऊंगा, सारे काम करूंगा, लेकिन इन्होंने आवाज जरूर उठाई और किसानों के साथ नहीं आया। क्या या इसको कोई लालच दे रखा हुआ मंत्री पद का, इसलिए जो है वो आगे नहीं आ रहे हो। अगर जो ऐसा करता तो ये लोगों को ये कहता कि भाई जो है मैं अपना जनता जो ना ये जो है विधायक जो है कुर्सियों पर जो है चपके हुए, ये अपने आप को यूँ क्यों नहीं कहता कि भाई मैं भी कुर्सी के चपके आ रहा, कुर्सी कोई नहीं छोड़ने के लिए आज ही वो जनता बाढ़ में पड़ो, इनकी अपनी कुर्सी की जरूरत है। जी वही कहना चाहेंगे कि वहाँ पर वो बिना किसी मौसम की फिक्र करे अपने घर को ऐसे छोड़कर वो आए हैं, तो क्या उन्हें उनका दुख नहीं दिखाई दे रहा? तो बस यही है कि समझ आए अभी वक्त है, वरना फिर बाद में अगर हम अपनी आई पर आ गए तो फिर बड़ा पछताओगे। विधायक बाबू बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं, वो दोगलापन दिखा रहे हैं, तो उनकी अभी भी मेरी गुजारिश है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाए, वरना फिर आगे जो हमें करना है वो फिर हमें पता है। कर दिया मर गया, कर गया मर गया, बबली मर गया, बबली मर गया, हाय हाय सारे रोलो, हाय